बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक विश्रामगृह येथे 25 सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत बुलढाण्याचे दीपक शेंडे व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी RSS देशात संविधान बदलण्याचा कट टचत असल्याची माहिती DNA काउन्सिल ऑफ इंडियाने दिली आहे. हरियाणा बंद करण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात EVM घोटाळ्याच्या विरोधात कामगारांचे कायद्यात रूपांतरण करणे, आदिवासींचे जबरदस्तीने धर्मांतर करणे आणि बुद्धाचा वारसा हस्तगत करणे, मेघवाल हत्याकांडाच्या विरोधात आंदोलने करत अनेक कार्यकर्ते अडकले होते, त्यातच मेघवाल हत्याकांडाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले, आरोपी सोडण्याचा विरोध आदी मागण्यांसाठी विराट मोर्चा, ज्यामध्ये माजी न्यायमूर्ती वीरेंद्र यादव, हर्ष बोधी, अब्दुल रहमान, विकास पटेल आदी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती दीपक शेंडे बुलढाणा यांनी पत्रपरिषदेत दिली आहे. बहुजन क्रांती मोर्चा, भारत मुक्ती मोर्चा और बहुजन क्रांती मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन नायक माननीय मेश्राम साहब, उनके निर्देश पर देशभर में पूरे महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. उसी के माध्यम से हम आज गोंदिया डिस्ट्रिक्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आप सभी के माध्यम से ले रहे हैं. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये बताना चाहते हैं कि 6 अक्टूबर 2022 को जो माननीय मेश्राम साहब ने RSS हेडक्वार्टर नागपुर पर जो विशाल महारैली का आह्वान किया है, उस महारैली के विषय पर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है. ये महारैली 12 मुद्दों पर माननीय वामन मेश्राम साहब ने अपील की है. जो देश में आज शासक वर्ग, जो ब्राह्मण समाज के लोग इस देश को चला रहे, उनका DNA विदेशी है. और ये सिद्ध करने के लिए DNA परिषद, जो कि हरियाणा के रोहतक में भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से ले जा रही थी 27 जून 2022, उसको ब्राह्मणों ने या ब्राह्मणों के संगठनों ने वहाँ पर खारिज कर दिया और माननीय वामन मेश्राम साहब को जान से मारने की धमकी दी. 21 जून 2022 को कानपुर में बामसेफ का राज्य अधिवेशन उत्तर प्रदेश में चल रहा था, वहाँ पर भी ब्राह्मण प्रशासन पुलिस के लोग आकर वहाँ पर वो अधिवेशन बंद किया और कुछ हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. ये सब EVM के माध्यम से ये ब्राह्मण शासक वर्ग जो कर रहा है, उसका जो असली षड्यंत्र है EVM मशीन है. इस EVM मशीन के विरोध में और ये पहले के दो मुद्दों के विरोध में ये महारैली का आह्वान माननीय वामन मेश्राम साहब ने दिल्ली से किया था, इसीलिए ये विशाल महारैली का आयोजन नागपुर में किया गया है 6 अक्टूबर 2022 को. अगला मुद्दा है 1931 से जो OBC की जाति आधारित गिनती देश में नहीं हो रही है, उस जाति आधारित गिनती होना चाहिए और जाति आधारित गिनती होने के बाद उन्हें वो मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए OBC के मुद्दे पर भी ये महारैली का आह्वान किया गया है. अगला मुद्दा है सारे देश भर में जो OBC बांधव है उनको जबरन हिंदू बनाए जाने के, या फिर जो आदिवासी बांधव है उन आदिवासी बांधव को जबरन हिंदू बनाए जाने के षड्यंत्र के विरोध में ये महारैली का आयोजन किया जा रहा है. देश भर में 6 धर्म के लोग जो समानता को मानते हैं, तो समानता को मानने वाले अगर 6 धर्म है तो ब्राह्मणियों शासक वर्ग के संगठनों के द्वारा या RSS के द्वारा इस देश में ब्राह्मण धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ब्राह्मण धर्म क्यों थोपा जा रहा है, इस षड्यंत्र के विरोध में भी ये महारैली का आयोजन किया गया है. सभी धर्म परिवर्तित मुस्लिम आयोजन है. साथ ही इसका अगला मुद्दा है कि RSS द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उनके सारे परिवार को मार दिया गया, उस सारे षड्यंत्र के खिलाफ भी ये मोर्चा है. क्योंकि वहाँ के भाजपा सरकार ने एक कमेटी बिठाकर, उन्होंने जब माफीनामा कोर्ट को कहा, हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, तो एक कमेटी बिठाकर राज्य शासन ने कलेक्टर द्वारा उनको वो बाइजतपुरी कर दिया. तो इन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ में माननीय वामन मेश्राम साहब ने दिल्ली से ये विशाल महामोर्चा नागपुर से जो बेजरबा ग्राउंड है इंदौरा के पास, उस मैदान से वो रैली सुबह 11 बजे शुरू होगी और आगे वो RSS का जो मोहन भागवत का जो देश का जो मुख्यालय है, जिसको हेडक्वार्टर कहते हैं, उस हेडक्वार्टर पर जाके ये रैली विशाल महारैली समाप्त होगी. ऐसा हम इस पत्रकार परिषद में सभी सहयोगी संगठन की तरफ से ये अपील करते हैं पत्रकार बंधु भगिनी को और गोंदिया के सभी 6 धर्म को मानने वाले, समानता को मानने वाले सभी मूल्यवासी बहुजन समाज को, सभी बहुजन सहयोगी संगठन को, सभी पार्टियों को, सभी लीडर को, नेताओं को हमेशा यहाँ से अपील करते हैं, विनती करते हैं कि इस विशाल महारैली में संविधान बचाने के लिए, अपनी विरासत बचाने के लिए, अपने हक अधिकार बचाने के लिए इस महारैली में
बड़े पैमाने पर शामिल हो जाए और साथ सहयोग करे। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले।